Hello everyone, how are you people? I hope you all are fine and doing wonderful. This is Khushi and today in this video, I'm going to make you understand present perfect tense. जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग present perfect tense पढ़ने जा रहे हैं. So, without taking time, let's start. What is present perfect tense? So, present perfect tense का कुछ examples लेते हैं. जैसे कि मैंने अभी यह खत्म किया है, बारिश शुरू हो चुकी है. बारिश खत्म हो चुकी है, तुमने दवा लिया है, क्या तुम पहुंच चुके हो, उसने खाना नहीं खाया है. सो जो काम तुरंत तुरंत हुआ है उसमें हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आवर रिकॉग्निशन इज समथिंग जो अभी अभी हुआ है, जस्ट यह चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो मतलब फिनिश हो चुका है, ठीक है, जो काम खत्म हो चुका है और जस्ट तुरंत हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. ठीक है, रूल क्या है? सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल, आई हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट. आई, यू, वी, ही, शी, इट, एवरीवन, समबडी, समवन, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ हमारा क्या कन्फ्यूजन है? हमारा कन्फ्यूजन हो गया अब हैज कि हम हैज का यूज़ कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे. तो हम सिंगुलर पर्सन, जो सिंगुलर जो होता है, ही, शी, इट, राम, सीता, रिलेशन, नेम्स और समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, इन सब के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे. और जब हम बोलेंगे प्लूरल, आई, यू, वी, दे, चिल्ड्रेन, गर्ल्स, इन सब चीज़ों में हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्लूरल में. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वी थर्ड. वी हैव टू यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, ठीक है. नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस. मैंने उसके बारे में सुना है. आई हैव हर्ड अबाउट हिम. मैंने उसके बारे में सुना है. आई हैव हर्ड अबाउट हिम. उसके बाद कुछ और बनाते हैं. बारिश खत्म हो चुकी है. इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. नाउ और कुछ बनाते हैं. मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूँ. जब हम कहीं से चलते हैं फिर हम अपने घर पहुंच जाते हैं तो हम कॉल करते हैं, जिस प्लेस से हम आए होते हैं वहाँ पे कॉल करते हैं कि हेलो, मैं ना सही सलामत पहुंच चुका हूँ. तो उसे बोलना है आई हैव रीच्ड सेफ एंड साउंड. आई हैव रीच्ड सेफ एंड साउंड, ठीक है. और बनाते हैं, तुमने दवा ले ली है. ये क्वेश्चन भी हो सकता है और तुम बता भी सकते हो कि तुमने दवा ले ली है. यू हैव टेकन मेडिसिन. यू हैव टेकन मेडिसिन, ठीक है. और बहुत सारे देखो, कुछ आप भी बनाओ मेरे साथ साथ, आप भी फ्रेम करो, मैं भी करती हूँ. मैंने ना अपने बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है. आई हैव हर्ड, मैंने सुना है. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग, मतलब कहना, दैट मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, ठीक है. तो इस तरह से हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. नाउ आप नेगेटिव पे आते हैं. नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है. कोई काम अभी फिनिश हुआ, चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ हमें नहीं होना चाहिए. रूल देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. आपको पता हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज. हमें क्या देखना है कि हैज नॉट को, हैज नॉट को हम हैजंट भी बोलते हैं. हैजंट स्पोकन इंग्लिश में हम इसे हैजंट, और हैव नॉट को हैवंट भी बोलते हैं, ठीक है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अब हम कुछ फ्रेम सेंटेंसेस करेंगे, जैसे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है. आई हैवंट टेकन फूड येट. अभी तक का येट. आई हैवंट टेकन फूड येट. उसने अभी तक दवा नहीं लिया है. ही हैज नॉट टेकन मेडिसिन येट. वे लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं. दे हैवंट रीच्ड येट. तुमने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है. यू हैवंट रीड न्यूज़पेपर येट, ठीक है. और ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है. तुमने मुझे वीडियो सेंड नहीं किया है. यू हैवंट सेंड मी दैट वीडियो. तो इस तरह से हम बनाएंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन पे आते हैं. यस नो क्वेश्चन हमें कैसे आस्क करना है, ठीक है, कैसे बनाएंगे. तो यस नो क्वेश्चन में हमें क्या होना चाहिए? क्या होता है यस नो क्वेश्चन? जिसका आंसर हम यस और नो में दे सके. क्या तुमने दवा ले लिया है?
क्या वह पहुंच चुका है? क्या बारिश खत्म हो चुकी है? क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे? तो हमारा जो है, हमारा रूल है, सबसे पहले हम हैज और हैव को बाहर निकालेंगे. ठीक है, आपने कभी भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी टेंस में, किसी भी चीज में, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओगे. ठीक है, तो हमें हैज हैव को बाहर ला देना है. हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. हो गया हमारा. आप फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस. क्या तुमने दवा लिया है? हैव यू टेकन मेडिसिन? क्या वो पहुंच चुका है? हैज ही रीच्ड? क्या बारिश खत्म हो चुकी है? हैज इट स्टॉप रनिंग? क्या तुमने उसे इनवाइट किया है अपने पार्टी में? हैव यू इनवाइटेड हर इन योर पार्टी? ठीक है, हमारे सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम करने हैं. अब एक बच जाता है हमारा WH. ठीक, पूछना है कि हम कब से नहीं मिले हैं. ओके, ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. या ये किसने किया है? तुमने अपना असाइनमेंट कब सबमिट किया है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले WH वर्ड, यू नो वेरी वेल व्हाट इज WH वर्ड, इफ़ यू नो, बिकॉज आई हैव टॉट यू इन प्रीवियस क्लासेस, सो यू गो एंड टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन व्हाट इज WH वर्ड. सो WH वर्ड जो है वो है हम वाई, वाई हू, विच, वेयर, हाउ, वेन, ये सब हमारा WH वर्ड है. तो WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. हो गया, ये किसने किया है? अब हमारा एग्जाम्पल, हम आते एग्जाम्पल पे, ये किसने किया है? हु हैज डन दिस? तुमने असाइनमेंट कब सबमिट किया है? वेन हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट? मिले हैं. वाई हैवंट वी मेट फॉर लॉन्ग टाइम? सो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे. आप अपने क्वेश्चंस और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में भेजिए. बहुत सारे फ्रेम कीजिए सेंटेंसेस. एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन. थैंक यू.